और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों की आवाजाही और लॉकडाउन में लगातार सख्ती की जा रही है। वहीं दूसरे प्रदेशों में आवागमन को लेकर भी रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश से अन्य प्रदेशों में चलने वाली बसों और यात्री परिवहन को लेकर रोक लगी है। बावजूद इसके बस मालिक इन आदेशों की विपरीत यात्री बसों का संचालन करते पाए गए हैं। शहडोल जिले में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जा रही दो बसों को यातायात विभाग ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। नफीस ट्रेवल्स व प्रयाग ट्रेवल्स की ये दोनों बसें देर रात शहडोल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही थी। जानकारी लगते ही यातायात विभाग ने इसकी पुष्टि की और दोनों बस संचालकों पर आपदा नियंत्रण अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। क्रमांक 0562 और प्रयाग बस सर्विस की बस क्रमांक MP18P0864 दोनों ने इलाहाबाद के लिए यात्रियों का परिवहन किया। इनकी नफीस बस की गोपारू के आसपास और प्रयाग बस की जयसिंह नगर के आसपास चेकिंग की गई, तो उसमें इलाहाबाद की सवारी बैठे हुए पाए गए। इन दोनों वाहनों के खिलाफ धारा 188 भारतीय दंड संहिता 269 270 एवं आपदा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दोनों थानों में कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही साथ नफीस बस में कुछ ओवरलोड सवारी थे, तो उसके मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की गई है। बस पे कार्रवाई की है जयसिंह नगर और गोपारू में, क्या मामला है? कल लगभग 11-12 बजे के आसपास दिन में हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय का एक आदेश पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जाने वाले यात्री बसों के परिवहन को आज से प्रतिबंधित किया जाता है। इसकी जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, समस्त बस मालिक जो यहाँ से अपना उत्तर प्रदेश के लिए यात्रियों का परिवहन करते हैं, RTO शेड्यूल के माध्यम से एवं मेरे द्वारा भी उनको ये बताया गया कि आज से इन गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। अतः आप उत्तर प्रदेश की सीमा या उत्तर प्रदेश के शहरों में वाहन लेकर के न जाएं। इस हिदायत देने के बावजूद भी ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।